ये देखो गाइस, पहले आज थोड़ा सा टूरिस्ट नहीं था और आधा से ज़्यादा टूट गया। ओ भाई, पानी बहुत बड़ा हो गया गाइस। ये देखो ये नाला कितना छोटा हुआ करता था ना। ये चेरी मेरे पीछे पीछे आ रही है। ये देखो इसको भगा दिया मैंने। ये तो ये आगे आएगी ना, फिर आगे कुत्ते बहुत है ना, फालतू का पंगा है कि नहीं। एक कुत्ता तो बेचारा यहाँ बैठा। हमारा दरिया भी काफी बड़ा हो गया है, बड़ा हो गया है। दरिया तो बड़ा हो गया है, बस नुकसान ज्यादा नहीं करना। दरिया का बड़ा होना तो लाजमी है क्योंकि अभी बरसात का समय है ना गाइस, तो बरसात का समय में इतना ऐसा तो लाइक होते रहते हर साल का बात, नुकसान नहीं होना चाहिए ना। अभी देखो एप्पल का सीजन भी स्टार्ट होने वाला है कुछ महीने, कुछ हफ्ता भर में। वैसे तो कईयों ने तो स्टार्ट भी करी है थोड़ा। अभी नाशपाती है ना, नाशपाती भी सप्लाई होना शुरू हो चुका है और एप्पल भी एक कोई है ना कर रहे हैं सप्लाई। अभी मेजर ज्यादातर लोगों ने नहीं किया अभी स्टार्ट ना, लाइक फुल स्केल में। उसके लिए अभी थोड़ा हफ्ता भर टाइम लगे, हफ्ता दो हफ्ता, तो इसीलिए ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए है ना। चलो अब देखते हैं, जो होता है वो तो हो के ही रहेगा ना, तो इसीलिए अपना जो सेफ्टी है वो हम अपने हिसाब से लेके चलेंगे। और ये देखिए गाइस चप्पल, एंड दिस इज टाइटैनिक फ्लड। अब साइड से जाना पड़ेगा भाई को, ऐसा देखो गाइस साइड से जाना होता है हमेशा, ठीक है। अब गीला तो होना लाजमी है। अच्छा ऊंच ये देखो, ये देख स्ट्रेटेजिक जगह बैठा हो, स्ट्रेटेजिक दुश्मन को काटने के लिए तैयार है भाई। आज सब ये पैर खारिश हो रहा है। ये देखो गाइस थोड़ा हो गया भाई, अब यहाँ से जाना भी डर लग रहा है भाई। ये देखो अभी तो कुछ नहीं है, पिछले साल तो बहुत खतरनाक काफी ऊपर था, आधा पहुंच गया था आधा। ये देखो इन्होंने अपना ऑफिस का पूरा सामान वापस यहाँ ला दिया। अभी यहाँ से देखो आवाज आना शुरू हो चुका है गाइस, सुनसान लोग आए हुए चेक करने। देखो ये देखो चेक करने आया, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ वो माने पे मैं। ओ फक, ये इतना डर लग रहा है भाई। चल फिर दोबारा से देखो पेड़ रहा है भाई। अब जल्दी जल्दी मैं सामान हटाऊंगा। वैसे तो खाली हो चुका है गाइस, देखो है ना, मैक्सिमम सामान खाली हो चुका है। अब पानी का प्रेशर पूरा ही आ रहा है भाई, देखो ये है ना, ये आ रहा है उस साइड, तो एक पानी नहीं जा रहा, तो पानी जा ही नहीं रहा ना के बराबर है, कितना पानी। ये देखो गाइस पानी देखते देखते कितना बड़ा हो गया ना, ये पाइप हमारे यहाँ घूम रहा है। और यहाँ पत्थर था ना, देखो पत्थर गुम हो गया ना, ये देखो इसके नीचे रह गया पानी, खतरा है भाई। बेचारा अंकल का है ना यहाँ, इनके यहाँ पर खतरा है प्रेशर। व्हाट द फक गाइस, देखो देखते इतना बड़ा हो गया, देखो
देखो जिस हिसाब से ये पानी अंदर को घुस रहा है ना गाइस, बांग को ना खतरा है, बांग अपना बांग खत्म होने का डर है। ये जो रोड को तोड़ देगा, रोड के अंदर घुस जाएगा तो कितना नुकसान होगा। यही चीज तो गलती कर देते ना हमारा आदमी लोग यहाँ पर। अब पंचायत को देखो डैम बनाने चाहिए था अपने डैम पे फटाफट, पिछले साल कितना खतरनाक आया है। अब देखो पानी तो अंदर जा रहा है, अगर ये कुछ दिक्कत हो गया ना तो फिर इस एरिया में हो गया मतलब डिसकनेक्ट हो जाएगा ना हमारा, ये मार्केट ख़त्म हो जाएगा, तो फिर क्या करना, कितना नुकसानदायक है और लोगों को भी कितना इनकन्वीनियंस लाइक झेलना पड़ेगा। पूरा मनाली तक जाने के लिए कितना दिक्कत होता है आपको पता ही है ना। तो फिर यही हमको दिखाई देता है कि टाइम से काम नहीं करेगा तो कितना प्रॉब्लम होता है। देखो हमारा दुकान तो लगभग अभी इतना डेंजर में नहीं है क्योंकि ये डंगा बना दिया ना हमारे पड़ोसी ने, बेचारा अपना भी हो गया सेफ, हमारा भी हो गया सेफ, तो इसीलिए हमको तो इतना खतरा नहीं है। बट यहाँ पर हमारे आगे है ना, हमारे आगे एक दो है दुकान, उनको थोड़ा खतरा है। और गाइस एक बहुत एक अजीब बात बताता हूँ ना, जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ पर आया उस टाइम मेरे को डर लग रहा है ना, अब मैं यहाँ इतना बड़ा पानी देख रहा हूँ ना गाइस, अब मेरे को डर नहीं लग रहा इतना, पता नहीं क्या हिसाब है। हाँ बस बस ठीक नहीं, यहाँ बचना था हमको, ये हमको ना एक अंकल को ना ये इसने बचा दिया, अभी इसने पार परे कर दिया ना पानी, ये तो पानी झर झर कर बिल्डिंग में ही बचना था। अभी वो देखो टिक्की आंटी का देखो कैसे हो ना, अब वो देखो दीवार का पहले पिछले बार बादल फटा ना, क्रैक आया ना दीवार में, अब तो ये और दोबारा ले जाएगा। अब बस ये प्रार्थना करना पड़ेगा इनको ना कि भाई पानी थोड़ा कम हो जाए, ये तो अगर ये और बढ़ते जाएगा ना तब तो खत्म है। पूरा प्रेशर हो रही बात किसका, अपने ये। ओ भाई क्या बंदे, आपको पता ही नहीं चला? नहीं नहीं थोड़ी देर पहले किया था भाई ने, मेरे बोला हां पर उस टाइम पानी इतना नहीं बढ़ा था, वीडियो भेजा था भाई ने। अरे आपको टाइम से आ जाना चाहिए था ना। ओ भाई क्या डरावना है, निकाल लिए निकाल लिए हेलमेट, हो गया ना, और कुछ तो नहीं निकालना भाई, नहीं भाई ये निकाल लो सामान, खास खास सामान निकाल ले। देखो गाइस यहाँ पर पहले बाउंड्री था ना, ये तोड़ दिया भाई, बाप भाई खाना लाया, खाना खाना देखो पिताजी ने, ये चमदू गया, ये मटर गोभी का सब्जी, देखो ओ भाई पहले थोड़ा सा टूटा था ना, अब तो आधा टूट गया। देखो ये देखो गाइस, पहले थोड़ा सा टूटा था ना इतना, अब आधा आधा से ज्यादा टूट गया। उस बाउंड्री को गाइस आधे से ज़्यादा टूटते हुए देखने से ना मुझे और पापा जी को ऐसा लगा कि भाई हमको सामान और पैक करना चाहिए, नहीं तो हमने एक्चुअली में गाइस ये नेकलेस वाला एरिया जो है ना क्लियर करना नहीं, पर डर के मारे हमको मजबूरन लाइक करना ही पड़ा।
टीएस भाई जा रहा है वो भाई। पहले ज्यादा था देखो। अच्छा मेरे को नंबर में मेरे नंबर में सेंड कर दो ठीक है। पहले ज्यादा था अब बहुत कम हो गया। अब देखो भाई हम जा रहे हैं ऊपर तक देखने की भाई किस हाल में रहता है दरिया का। भाई जान बचाओ भाई सर्दी का टेंशन अभी से हो गया गाइस। यहाँ तो अभी बरसात खत्म नहीं हो। वो देखो वहाँ से लेके आया वो तार तूर सब कुछ निकाल के आया। भाई इतना डरावना था। ओ भाई यार खतरनाक गया है। नहीं गाइस पुलिस को पुलिस ने यहाँ पर रोका हुआ है। एक सिंगल रोड कर दिया। ये देखो गाइस शरारती बच्चे लोग हैं हमारे बांग के शरारती बच्चे लोग। ये देखो ये क्या हो गया भाई। बाप रे बाप डेंजर है भाई डेंजर। दरिया जाता तो वो तो जा ही नहीं रहा वहाँ पूरा यहीं से जा रहा है रोड साइड। ऐसा नहीं आता ना पानी पूरा जगह से आता इतना प्रेशर नहीं आता जा रहे हैं थोड़ा बहुत। ये देखो भाई पानी पानी निकलता है ये चट्टान से ना पूरा का देखो यहाँ यहाँ सूखा नहीं है पूरा गीला इसलिए तो यहाँ मॉसेस जमते हैं मॉसेस। ये क्या सीन भाई अब तो ये हो गया भाई पूरा अब फ्रेश हो गया बंदा पानी फ्रेश है। ये सब पानी आपको कहीं नहीं मिलेगा यहीं पर मिलेगा क्योंकि यही उगता है ये पानी और कहीं नहीं उगता।
सोर्स यही है ना। कितना टेस्टी है पानी, है कि नहीं? पानी एकदम फ्रेश टाइप का है। अब मेरा पूरा ये आ रहा है बाइकर का राइडर, राइडर राइडर आया। ये या यो 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 ये गत्तो के आ रहे नहीं सब फ्रेश माइन है। पूरा एक्सपीरियंस लेके आ रहा है लद्दाख और लेह, ले लद्दाख स्पीति वगैरह का पूरा टूर करके आ रहे हैं भाई लोग। और हम लोग देखो जाएंगे किसी दिन। ओके अपने पास बाइक होना चाहिए, इसलिए खरीदने के लिए एक साल काम करना पड़ेगा। अच्छा अभी मैंने गाइस वो फेंका था ना भगवान का, हमारे देवता का प्रसाद, हमारे में बोलते छंग नहीं, तो उससे काफी कम हो गया या फिर पानी डाइवर्ट हो गया बोला। ठीक है तो देखते हैं अब क्या हिसाब हुआ कुछ। मैंने अभी फेंका था ना ये देखो गाइस कम हो गया है ना, बहुत कम हो गया है। तो गाइस होपफुली अब बेचारा आगे जाके ना इनका ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए, आगे जाके काफ़ी लग रहा है प्रेशर आ सकता है, बट नुकसान नहीं होना चाहिए गाइस। भगवान का दुआ से होपफुली सबका अच्छा होना चाहिए यार, ज़्यादा अच्छा बुरा हो तो फिर क्या फ़ायदा। तकड़े ही हो जाएगा था ना, वहाँ वहाँ अभी भी प्रेशर है। हमारा देखो यहाँ सूख चुका है, आई एम सो हैप्पी, थैंक यू गॉड। देखो कितना पानी कम है। तो गाइस ये दिखाता है हमको लाइक अभी भी अपना थोड़ा विश्वास रखना चाहिए, है कि नहीं? हम अपने लाइक ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट हो जाते हैं ना, तो आजकल के ज़माने में हम अपना जो रीति रिवाज भूल जाते हैं, तो ये एक दरअसल एक एग्जांपल है कि हमको अभी नहीं भूलना चाहिए। कैसा था पानी, सो सो अनबिलीवेबल, यकीन ही नहीं हो रहा गाइस ऐसा भी हो सकता है ना, बट फिर भी ऊपर वाले की दया से अंकल का घर बच गया। मैं तो यही चाहता था कि अंकल का घर सेफ रहे और ज़्यादा नुकसान ना हो, है ना? अब नुकसान तो होगा ही होगा भाई। चलो ठीक है, ये तो अंकल लोग बात कर रहे हैं।